अब इनकी बुद्धि का बताइए, जो कहने वालों को दिवालिया नहीं निकला हुआ है। मैंने कल कहा नेता प्रतिपक्ष को, तुम आके सीएम और मिल लेते मुझसे, तुम्हारी हाइट बढ़ जाती भाई कि देखो यहाँ पक्ष विपक्ष में ऐसे रिश्ते हैं। मेरे मित्र उन्हें दावा भी करते हैं भाषणों के अंदर, और ये मित्रता ये नहीं बताते हैं कि अपने अपने मित्र के राज्यों को बदनाम करो आप, ये कहाँ की समझ आ रही है बताइए आप। अब उसका नाम हटा करके आप क्या बहादुरी करिए, बहादुरी काम है क्या? ये कोई बहादुरी नहीं है, ये इनकी सोच दर्शाती है, इनकी सोच बड़ी खतरनाक है। अब ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को हम इंजारी करते रहते हैं पहले से ही, कभी ना कभी आएगी, जहाँ चुनाव जाते हैं वहाँ पहले ईडी आती है, इनकम टैक्स आता है, सीबीआई आती है, ये हमारे नई बात नहीं है। तो ये आएगी हम वेलकम करते हैं, हम चाहते हैं कि जो वास्तव में बेईमान है, करप्शन किए हैं, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, हमारे एसीबी हो, हमारे एसीबी बकवास नहीं रही है, हिंदुस्तान में एकमात्र एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान का, जिसका मैं मंत्री हूँ, जितने हमने रेड की है हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई रेड। हमारे 5 साल आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर फंस गए, कलेक्टर फंस गए, अरेस्ट हुए हैं, एसपी अरेस्ट हुए हैं, क्या नहीं हुआ राजस्थान के अंदर? अब उसको लेके कहते हैं राजस्थान में बस करप्शन बहुत ज्यादा है। अब इनकी बुद्धि का बताइए, जो कहने वालों को दिवालिया नहीं निकला हुआ है, जो अगर करप्शन के कई राज्यों में तो आपको मालूम है, अगर मुख्यमंत्री परमिशन के आप क्लरिकल स्टाफ को भी नहीं पकड़ सकते हो, वहां छापे पड़ते ही नहीं है, इसके मतलब करप्शन नहीं है। हमने जीरो टॉलरेंस कर रखा है, जीरो टॉलरेंस है यहाँ पर, करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम पकड़ेंगे। और उल्टा ही कहने से अभी तो बहुत ज्यादा करप्शन हो गया यहाँ पर, तो जनता आजकल सब समझते इन बातों को। ये मेरे दोनों पैरों में ये लोग समझ नहीं पाए, बीजेपी वाले, उनकी मजाक उड़ रही जनता में कि ये इतने ऊंचे लोग हैं कि मेरे पैरों में फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर 3 टुकड़े हो गए हड्डी के, एक अंगूठे में हेयरलाइन फ्रैक्चर है, नाखून बाहर आ गया पूरा, इससे बड़ी बात क्या दुखद हो सकती है। मैंने कल कहा नेता प्रतिपक्ष को, तुम आके सीएम और मिल लेते मुझसे, तुम्हारी हाइट बढ़ जाती भाई कि देखो यहाँ पक्ष विपक्ष में ऐसे रिश्ते हैं, रिश्ते आज तक रहे हैं, पहली बार मैं देख रहा हूँ वो रिश्ते को तार तार कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, जो उचित नहीं है। और अब उनकी परवाह हम क्यों करें, हम तो अपने दुख पाड़े हुए हैं, और 1.5 महीने तो हो गए इसको, डॉक्टर कहते हैं 1.5-2 महीने तो लगता है ठीक होने में, पर अभी 1-1.5 महीना और लगेगा जब जाके ये हड्डी वापस मजबूत होगी, वरना थोड़ी बहुत भी टच भी हो गया इसके, वापस डिस्टर्ब हो गई मान लो तो फिर 2 महीने गई। तो मुझे इलेक्शन लड़ना, अभी कैंपेन भी करना, इसलिए मैं बचाव करके चल रहा हूँ। पर ये जो पैसा खर्च करना चाहते हैं बीजेपी वाले, धनबल के उपयोग दुरुपयोग कर रहे हैं पदों का, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री 6 बार आ चुके राजस्थान में, तो दूसरा काम है ही उनके बारे में क्या? गुजरात चुनाव हो रहे तो आप 6 महीने जा रहे हो, अप एंड डाउन कर रहे हो, और प्रधानमंत्री तो बिजी होता है पर्सनलिटी, और भी काम होते हैं देश और दुनिया का राज करने के लिए, वो खाली चुनाव में घूमते रहते हैं। मणिपुर में आग लगी हुई है, 2.5-3 महीने से परवाह नहीं करी, और कर्नाटका कभी हिमाचल, कभी राजस्थान, कभी गुजरात, उसमें घूमते रहते हैं। अरे मणिपुर तो हमारा राज्य है भाई, आप उसे कंपेयर करो राजस्थान को और छत्तीसगढ़ को। ये तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं उम्मीद कभी करता ही नहीं था, ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए, प्रदेश की चुनाव जीतने के लिए इस स्तर पर जाएंगे वो कि मणिपुर में जो आग लगी हुई है, मणिपुर जल रहा है, उससे आप मतलब कंपेयर करो राजस्थान को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आप सलाह दे रहे हो, ये तो बहुत दुखद बात है। मेरे मित्र उन्हें दावा भी करते हैं भाषणों के अंदर, और ये मित्रता ये नहीं बताते हैं कि अपने अपने मित्र के राज्यों को बदनाम करो आप, ये कहाँ की समझ आ रही है बताइए आप। ये जनता सब समझ देख रही है, और मैं समझता हूँ सबको सबक सिखाई जनता इस बार, क्या कितने बड़े नेता जाओ कितने कैंपेन कर लो कोई नहीं फर्क पड़ेगा। आज मैंने ट्वीट किया उसके लिए भी, ये कहाँ ले आ रहे देश को भाई, जो पंडित नेहरू ने इस देश के जो नींव रखी है, जिस पे आज खड़ा है देश, आज मजबूत के साथ में बड़े बड़े कलकारखाने ने बड़े बड़े बांध बना दिए उस जमाने में, IIM IIT IIT बनी है, बड़ी बड़ी संस्थाएं उससे तो आ गई, उसके कारण आज हम लोग आत्मनिर्भर भी हैं, देश दुनिया भर में हम लोकतंत्र का गर्व करते हैं, 70 साल तक हमारा मजबूत रहा लोकतंत्र देश के अंदर, क्या नहीं हुआ देश के अंदर, सुई नहीं बनती थी आज क्या नहीं बनता है। और उसके लिए अगर मान लो पंडित नेहरू 16 साल से बगल में रहे हो बंगले में,
उनके नाम का वो संग्रहालय बन गया, अब उसका आप नाम हटा करके आप क्या बहादुरी करिए? बहादुरी का काम है क्या? ये कोई बहादुरी नहीं है, ये इनकी सोच दर्शाती है। इनकी सोच बड़ी खतरनाक है, ये सोच चिंताजनक है देशवासियों के लिए, और होनी चाहिए चिंताजनक। इनकी सोच लोकतंत्र खत्म करने वाली है। इनकी सोच जो है नादिर शाही, ताना शाही, फासिज्म का जो जमाना था, हिटलर का जमाना था, वहाँ जो अप्रोच थी ना वहाँ के धर्म के नाम पर राजनीति करने की, आप समझ लीजिए वही अप्रोच यहाँ चल रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तकलीफ आएंगे बाद में नहीं समझेंगे तो, या तो चॉइस में निपट लेंगे वरना तकलीफ आएंगे लोग। मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। चुनाव में हारती होती रहती है, सरकार आती जाती रहती है। हमने देखा है 5-7 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदल गए, हर राज्य मुख्यमंत्री बदल रहते हैं। कांग्रेस ने क्योंकि लोकतंत्र मजबूत किया इसलिए ये कायम रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं इसलिए बने हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी आप प्रधानमंत्री इसलिए बन पाए हो कि 70 साल तक कांग्रेस ने लोकतंत्र कायम रखा है। अगर काम नहीं रखते तो फिर आप कैसे प्रधानमंत्री बनते बता दीजिए? और उस कांग्रेस लिए कह रहे हैं कांग्रेस मजबूत भारत बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ इस समय मतलब पूरी तरह एक्सपोर्ट हो चुके लोग।